सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बच्चों की ऑनलाइन क्लास फिर से शुरू करने की मांग, निजी स्कूलों पर जल्द हो कार्रवाई। जिला अभिभावक संघ ने ऑनलाइन क्लास से महरूम रखे गए बच्चों की शिक्षा फिर से शुरू किए जाने की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी भी बच्चे को ऑनलाइन क्लास से वंचित किए जाने का निर्देश देने के बाद भी कुछ स्कूल प्रबंधन बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई को बंद कर दिया गया है, जिसे लेकर संघ काफ़ी आक्रोशित है और ऐसे स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। गौरतलब है कि कोरोना के कारण स्कूल के पट बंद हैं और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उनकी पढ़ाई कराई जा रही है, लेकिन फीस को लेकर खींचतान की स्थिति बनी हुई है और प्रबंधन पर आरोप लगते रहे हैं। इस बीच कई बच्चों की पढ़ाई रोक दी गई है, लिहाजा ऐसे स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई हो और बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू किया जाए। मैं एक पेरेंट्स हूँ और अभी ऑनलाइन शिक्षा से हमारे बच्चों को वंचित किया गया है डीडीएम पब्लिक स्कूल के द्वारा, और अभी डीओ साहब के द्वारा आदेश भी जारी हुआ था। अभी पालक यूनियन एक धरने पे बैठा था, डीओ साहब ने नेक्स्ट डे ऑर्डर निकाला था जितने भी बच्चे ऑनलाइन थे उनको लिया जाए करके, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से एक महीना गुजर चुका है, अभी तक बच्चों को ऑनलाइन क्लास से जोड़ा नहीं गया है। बच्चे परेशान हो रहे हैं, पढ़ाई के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, और डीओ साहब से मैंने पर्सनल जाके मुलाकात भी की। हम दो चार पेरेंट्स गए थे शाम को मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि सीधा सीधा कि भाई हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन हम कोई उनके ऊपर दबाव नहीं बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल शिक्षा अधिकारी का मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार की ये बात कहना उचित नहीं लगा मुझे। हमने कलेक्टर मैडम को भी ज्ञापन देने आए थे अभी यहाँ पर, इसके साथ ही साथ हम लोग अभी कोर्ट में भी केस दर्ज करने की बात हमारे सभी पेरेंट्स यूनियन के साथ मिलकर करने की कोशिश करें ताकि हमारे बच्चों को न्याय मिल सके। पढ़ाई के लिए जो फीस भी इतना मनमाना है कि किसी भी प्रकार का डिटेल देने से प्रबंधन इनकार कर देता है कि भाई क्या फीस लेनी है। भाई कोरोना काल से सभी व्यक्ति पीड़ित हैं और पीड़ित होने के साथ साथ मतलब सबका कारोबार भी बंद हो चुका है, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो ऑनलाइन क्लास हो रही है वो ऑनलाइन क्लास मेरे ख्याल से 2 से 3 घंटे की लेते हैं लोग, तो वो अनुपातिक दर पे लिया जाए कि हाँ भाई इतने फीस माफ़ कर देनी चाहिए। लेकिन प्रबंधन, स्कूल प्रबंधन पूरी तरीके से कड़ाई से पूरी फीस वसूलने पे आमादा है। उन्होंने मतलब एक हाई कोर्ट का एक पल्ला पकड़ लिया है कि भाई हाई कोर्ट ने आदेश किया है ट्यूशन फीस दो, तो ये ट्यूशन फीस भी क्लियर नहीं है। वो साल भर की पूरी फीस को उसमें शामिल करके वसूलना चाह रहे हैं, तो ये ट्यूशन फीस भी हम चाहते हैं कि मतलब कम से कम क्लियर हो कि कितनी फीस है। और पहले 8 घंटे की क्लास हुआ करती थी, पूरी क्लास में बच्चे जाया करते थे और उनका सारा चीज़ यूज होता था, तब पूरी फीस लिया करते थे, तो वो जायज़ बात है। लेकिन अभी 2-2.5 घंटे की जो क्लास चल रही है तो उसमें मेरे हिसाब से उस अनुपात के हिसाब से फीस निर्धारित कर लिया जाए ताकि बच्चों को दो मतलब हम